बलदेव बाबा अपने ससुराल में गए थे, वहां के लोग उनको दामाद जान कर करके नई धोती दिए। बलदेव बाबा धोती रखे थे, कोई आगंतुक आ गया, कहा कि बाबा हमको भी कोई कपड़ा वस्त्र मिल जाता, तो बलदेव बाबा कहे कि देखो हमारे ससुराल से ये मिली हुई है, इसको इच्छा हो तो ले लो। अंधा का चाहिए दो आंख हो तो एक आंख को भी तैयार है। अंधा आदमी झड़ से ले लिया, लेकर के चल दिया। चलने लगा तो क्या कहते बलदेव बाबा अपने ससुराल वालों से, देखो भाई किसी को धोती दो तो कुर्ता भी देना चाहिए, पूरा सेट देना चाहिए। धोती तो दे दिए, तुम लोग हम इसके लिए जो आगंतुक है मांगने आया है इसके लिए कुर्ता का इंतजाम करो कोई, नहीं तो हम तो अपना कुर्ता निकाल ही गए हैं। तो दामाद जो है बिना कुर्ता के जाए गांव से अच्छा लगेगा? तो झट से गांव के लोग जो थे ससुराल वाले उनके लिए कुर्ता का इंतजाम का स्वभाव था। उनके पैर में एक बार घाव हो गया, घाव में कुछ कीड़े पड़ गए, तो कीड़ा जो था गिरता था उसमें से, तो कीड़े को उठा करके फिर घाव में रख देते थे कि एक दिन तो हमारा शरीर फेंका जाएगा ही, किसी कीड़े के काम में आ जाए। कीड़ा पड़ जाता ना घाव में, तो काम में आ जाए तो उसको ले करके उस घाव में डाल देते थे कि तुम हमारे एक दिन तो फेंका जाएगा ही, तुम हमारे से कुछ लाभ उठा लो तुम्हारा शरीर। कुछ दिन के बाद उस घाव ठीक हो गया, लेकिन इतने दयालु थे कि छटपटा के मर जाएगा तो इसमें हाँ इसमें डाल देते। तो ऐसे ऐसे स्वभाव के भी अपने देश में महात्मा हुए हैं। बोल दो श्री बलदेव बाबा की। त्रिदंडी स्वामी आए बक्सर में, उनकी समाधि बनी है 1999 ईस्वी में। त्रिदंडी स्वामी विद्वान थे, उनका अयोध्या में भी स्थान है, कोसलेश सदन कटरा मोहल्ला के पास में। हरिद्वार में जाएंगे तो सप्त सरोवर में भी उनका स्थान है। बड़े विद्वान थे, वैष्णव महात्मा थे त्रिदंडी स्वामी जी। 1999 में शरीर छूटा उनका, तो वो आ गए, झोपड़ी में रहते थे, सोनभद्र के किनारे झोपड़ी लगाई गई। बलदेव बाबा को पता चला कि एक साधु आए हैं, जवान है। बलदेव बाबा उम्र में बड़े थे, 1947 के करीब में शरीर छूटा उनका, 53 वर्ष और 21 साल 74 साल हो गया उनको शरीर छोड़े बलदेव बाबा को। तब त्रिदंडी स्वामी से उम्र में बड़े थे वो, तो उनको पता लगा कोई साधु आए हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, जाड़े का दिन है, अब केवल चादर पर रहते हैं। एक नया कंबल लेकर के बलदेव बाबा पहुंच गए। स्वामी जी हमारे गांव में कोई साधु आके जाड़ा में ठिठुरेगा तो हमको नींद नहीं लगेगी, ये नया कंबल लीजिए। त्रिदंडी स्वामी कहते थे कि जैसे बच्चे के लिए बाप महतारी मोह नहीं करते हैं कि इसको जाड़ा में लग जाए, इस तरह से मोह करने लगे हमारे लिए आकर के। हमने उनसे बताया कि हम झोपड़ी बढ़िया लगवाते हैं, हवा उसमें न घुसे, चादर जो है मोटी मोटी रखते हैं, हम जो है ऊनी वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भेड़ा को पटक करके उसके सब अंग से चूतर से चारों ओर से बाल काटता है सर, तो वो गंदे गंदे जगह से जो बाल काटा गया है हम उस कंबल को नहीं ओढ़ते हैं, हम भेड़ा का जो है बाल नहीं ओढ़ते हैं। कहते कि बच्चे की तरह से मोहाने लगे, मोह करने लगे हमारे लिए, हम किसी तरह से उनको समझाए कि हमारा नियम न तोड़वाइए। तब बलदेव बाबा गए वहां से। बोल दो श्री बलदेव बाबा की जय। त्रिदंडी स्वामी की जय। शंकराचार्य भगवान की जय।